you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. So this is it, guys. This is it. Ready for the ride, man? Yes, man. Yo, Namgyal, ready? Ready for the trip? Yeah, as you say, guys, we are going towards Mool Khorka Lake, and as you can see, the packing. My bike, my packing, so tent or boys, I'm late. Tent, sleeping bag and all. So everything your bike, my sir. Right now we are going towards the petrol pump of Pedong. Exactly the person at 21th mile. Okay, all right. Now we are heading back towards Algara. So this is the link road. Okay, I'm only about to see. So this is the link road. So this link road will be going towards Lava. Yeah, okay, days of place Bolo Khani. And mainly my previous vlog, I have said it, my Chagi Fosco vlog ma. And guys, this vlog is gonna be a mixed language vlog, so I will be vlogging in English, Nepali and Hindi also, so that everyone could understand whatever I'm saying. So ye vlog jo main aaj karne ja raha hu, ye vlog mein sab language mein karunga. So I will be mixing up Nepali, English, Hindi. So enjoy, guys, enjoy the ride. आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा ये व्लॉग देखकर, क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं आज कैंपिंग के लिए, उस जगह का नाम मूल खड़का लेक है. इट इज़ अ वेरी ऑफ बीट प्लेस, अ वेरी स्पिरिचुअल लेक. एंड या वी आर गोइंग देयर एंड वी विल बी स्टेइंग अवर नाइट आउट देयर, सो इट्स गोना बी फन. एंड राइट नाउ वी आर डूइंग अ इवनिंग राइड, गाइस. एंड द टाइम इज 3:30 PM right now. And ये रोड काफ़ी अच्छा है राइडिंग करने के लिए, बहुत बढ़िया है. अभी हम वो जंक्शन नाथ पहुँचे. सो गाइस, ये राइड आप लोगों को अलगड़ की तरफ ले जाएगा, और दिस रोड टूवर्स लावा. गाइस, जो अभी ये व्यू है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है. सो अभी हम लावा के रास्ते में है गाइस. सो जिस जगह आज हम जा रहे हैं गाइस, मूल खड़का लेक, उधर पहुंचने के लिए आप लोगों को सिक्किम पहुंचना नहीं पड़ेगा. सो लावा से होते हुए आप जाएंगे आईटार की तरफ, और उसके बाद आईटार से कुछ 45 मिनट का आपका ऑफ रोडिंग जर्नी रहेगा. उसके बाद आप पहुंचेंगे मूल खड़का लेक. सो या अभी आज का हमारा प्लान उधर स्टे करने का है. सो आज हम 5 ब्रदर्स उधर जाके कैंपिंग करेंगे. सो आज का हमारा फर्स्ट मोटर कैंपिंग गाइस. आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों का बंदा कुछ कर रहा है गाइस, आप लोगों के लिए कुछ कर रहा है, कुछ नया करके दिखा रहा है, करना चाह रहा है. सो सपोर्ट कीजिए और इस राइड को एंजॉय कीजिए गाइस. ये जो अभी लावा का रास्ता है ना, बहुत अच्छा बन चुका है. जो कुछ 1-2 साल पहले से तो बहुत अच्छा बन चुका है गाइस. सो गाइस, दिस इज लावा. तो टाउन वाला एरिया इधर से शुरू होता है गाइस, और दिस इज लावा. आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार पीसफुल जगह है, एकदम ऑफ बीट. ओके, ये लावा का बस स्टैंड गाइस, मोटर स्टैंड कह सकते हैं आप. इधर से टूवर्ड्स लावा टाउन, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं गाइस, ये लावा का कागी मोनास्ट्री, कागी टेक चिलिंग इंस्टीट्यूट, कागी मोनास्ट्री. सो अभी जो गाइस आप लोग लावा को
घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे तो इधर अभी ये फॉरेस्ट का एंट्री और टिकट लगेगा। आज का जो वेदर है ना बहुत ही अच्छा है गाइस। जो पिछली बार हम छागी फॉल्स को घूमने के लिए आए थे तभी एकदम सा वेदर ख़राब था, अभी बहुत अच्छा वेदर है गाइस। आप लोग नीचे का शानदार सा सीन भी देख सकते हैं, एकदम सा इधर प्लास्टिक फ्री जोन है, लावा इस जंगल। सो इधर से ऑफ रोडिंग स्टार्ट होता है। गाइस अभी जो मेरे पैर पर ना जुगा था जुगा रिच, सो ये रास्ता बहुत अच्छा है गाइस। जुगा लग सा आपसे। सो आप लोग गाइस देख सकते इधर का व्यू, बहुत बढ़िया व्यू है इधर से। सो गाइस अगर आप लोगों को इधर कोला खान पर रहना है तो आप रह सकते हैं, इधर बहुत सी होम स्टे है और दिस इज लिटरली कोलाखाम। के भएको छ चिप्ले चिप्ले के भएको छ। के भएको छ चिप्ले चिप्ले के भएको छ। और गाइस अभी ना थोड़ा सीन हो गया था कुछ देर पहले, जो बाइक में चला रहा हूँ कॉन्टिनेंटल सिटी, ये थोड़ी दिन तक है आप लोगों को पता ही है। वो कुछ समय पहले रास्ता बहुत स्लिपरी था उधर पर, ये रेनी सीजन पर पानी बगने के कारण बहुत, जिसे नेपाली में लेऊ कहते हैं वो बहुत था, इसीलिए वो पता नहीं कैसे फिसल गए और बाइक को लेफ्ट साइड पर थोड़ा डैमेज हुए बाइक। अभी मैं एकदम लो फील कर रहा हूँ, क्या करें गाइस, इसीलिए वो मेरा बाइक चला रहे। और अच्छा बात क्या हुआ कि गाइस थोड़े दिन को ना कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा पैर पर थोड़ा सा घाव है जो गिरने के कारण हुआ था, पर अभी वो ठीक है। बाइक पर थोड़ा स्क्रैचेस आए हैं और कुछ नहीं, वो तो ये बाइक तो बन जाएगा, पर वो सही सलामत है, वही सबसे बढ़िया बात है गाइस। सो गाइस इस बाइक पे ना ये कॉन्टिनेंटल जीटी पर थोड़ा और मेरा बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, बहुत सी मेमोरीज है गाइस, इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लगा है, अभी बहुत बुरा लगा गाइस। इसका ना ये जो टैंकी एरिया है ना थोड़ा सा स्क्रैच हो चुका है, थोड़ा डेंट पड़ गया गाइस ये हैंडल की लगने के कारण, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस आज का ये। अच्छा वाला भी है ख़राब वाला भी है, और ख़राब वाला टेक ओवर कर गया ना अभी इधर का ये गाइस। अभी ये पुल जो आप देख सकते हैं नीचे, एकदम बहुत बढ़िया वाला पुल है उधर ब्रिज, और थोड़ी देर के लिए शायद उधर हम होल्ड करेंगे। बहुत बढ़िया जगह है गाइस, एकदम सा अच्छा वाला बढ़िया वाला फीलिंग्स। उस रास्ते से हम आए थे, हेलो हाय भन्दैन। सो गाइस अभी 6:35 PM हो रहा है गाइस, फिर भी हम चल पड़े हैं अपने रास्ते। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इवनिंग विथ वी फाइव ब्रदर्स टुगेदर राइडिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। सो मच ब्यूटिफुल एक्सट्रीम फील, ऐसा फील ना दुनिया का किसी भी कोने में नहीं मिलेगा गाइस। अपना ही जगह आप एक्सप्लोर करने का ना गाइस, अभी इस वक्त मज़ा ही कुछ और है गाइस। वो व्यू गाइस एकदम बढ़िया वाला व्यू, एकदम से बढ़िया वाला। थोड़ा ऑफ रोडिंग मिला गाइस रास्ते पर, अभी थोड़ा
अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। हम लोग जिस तरह से चलते हैं ना गाइस, उस तरह से तो हाथी भी चींटी भी मूर्ख होकर कब कब पहुँच चुका होगा। हम बहुत लेट चलते हैं गाइस, जितना हम ट्रैवल करते हैं ना उससे ज़्यादा हम रुक कर बातें करते हैं। कैसा फील रहा कुछ वगैरह वगैरह, ये ना हो रहा एक डिसएडवांटेज यही है हमारा। हम ज़्यादा टाइम बाइक रोक कर बातें करने में स्पेंड करते हैं ना। ये रास्ता बहुत ऑफ है गाइस, ऑफ रोड एक्सट्रीम तो नहीं कहूँगा पर एक्सट्रीम से दो तीन स्टेप नीचे वन ऑफ द डेंजरस ऑफ रोडिंग। तो आप लोगों को छंगू में विंटर के टाइम मिलेगा, जाइए उधर ब्लैक आइस का एंजॉय कीजिए, गिरते गिरते हुए नीचे आइए। एक बढ़िया वाला एक्सपीरियंस होगा गाइस, वो सिक्किम की तरफ है गाइस और वो पहाड़, और सिक्किम की तरफ तो अंधेरा कोड़ा ही कोड़ा है गाइस, कोड़ा ही कोड़ा। अभी शाम का कुछ गाइस 6:32 PM है, 6:30 बज चुके हैं गाइस। देखा फिर भी हम चल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ। सो ऑलराइट गाइस, अभी इधर आ गए ना हम लोगों को मूलखड़का का एक जंक्शन मिलेगा चेक पोस्ट से थोड़ा आगे, सो चेक पोस्ट को पार करना नहीं पड़ेगा और लेक की तरफ गाइस हमारा फिर डेस्टिनेशन। और मुझे लगता है हमें अब हेडलाइट बाल लेना चाहिए क्योंकि शाम हो चुकी है गाइस। ओम मन प्योरे, ओम मन प्योरे, ओम मन प्योरे, डोंट मिस योर ट्रैक, गो स्ट्रेट टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। अभी इधर थोड़ा ऑफरोडिंग है, डाउन हिल है पर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, और डोंट वरी कुछ ऐसा एक आध दुखा पत्थर तो हम इजीली पार कर लेंगे गाइस। उधर से सिंगल राइड डबल राइड नहीं कर सकते गाइस, थोड़ा ऑफरोडिंग है। ये एक पुल है इधर, हजुर हजुर हजुर, यु टर्न पऱ्यो हजुर त्यहाँदेखि, हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू। हामी 16 माइल हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर रहेछ गाइस, समथिङ हिन्दू मन्दिर रहेछ यहाँ चाहिँ। सो गाइस ये इधरका ये आइटा पहुँचे से पहिले एक रास्ता अफिल है, बहुत अफ रोडिङ है गाइस। सो हेलो एभ्रीवन, सो इट्स डे 2 एन्ड दिस इज द वे टुवर्ड्स द लेक, मूलखड्का लेक। एन्ड सो वी हेभ टु गो डाउन स्टेप्स है, सो इट्स लिटरली रेनिङ लाइक नाउ एन्ड दिस इज द प्लेस। सो वन्स अगेन वेलकम ब्याक गाइस, एन्ड दिस इज द प्लेस, दिस इज द मूलखड्का लेक। हमारा तो कलर आज का ट्रिप था तो इसी लेक पर आने का ट्रिप था, सो दिस इज मूलखड्का लेक। एंड अभी अभी जो सुबह का समथिंग 6:30 बज चुका है, और अभी ना गाइस इधर का वेदर लाइक लिटरली ड्रिजलिंग, और इधर का वेदर बहुत पीसफुल है गाइस। और आप बैकग्राउंड में बर्ड्स का चिरपिंग साउंड सुन सकते हैं गाइस। और जो गाइस ये लेक का खास बात क्या है कि दिस एन स्पिरिचुअल लेक, और इधर पे ना वो लेक पर एक भी पेड़ का पत्ते नहीं दिखाई दे रहे गाइस, और इट्स लिटरली वेरी क्लियर राइट नाउ। और वो उस पर वो दूर उधर एक मोनास्ट्री जैसा छोटा सा एक टेंपल जैसा है गाइस, और या दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और पीसफुल प्लेस। आप लोग ज़रूर आइए इधर एक बार घूमिए, एक बार साइट सीइंग कीजिए, इस जगह का अनुभव कीजिए। एंड गाइस जब आप इस टाइम पर इधर आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा पीसफुल सा एक वेदर मिलेगा, पर साथ ही साथ आप लोगों को इधर लीचेस बहुत मिलेगा गाइस। एंड यू कैन सी द लीच आउट हियर, इधर पर एक लीच है। सो
So literally guys, this place is very beautiful. And yeah, lake. इस लेक का गाइस खास बात क्या है कि इधर इस लेक का कोई भी आउटलेट सोर्स नहीं है गाइस. इधर से कोई भी एक रिवर स्ट्रीम कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ लेक. और इधर का पानी गाइस इधर ही रहता है और इधर से कुछ किधर भी नहीं जाता. एंड दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल लेक गाइस. आई गेस यू मस्ट कम आउट टू एंड चेक इट वंस. बट रास्ते में आपको बहुत ऑफ रोडिंग मिलेगा गाइस, समथिंग 8 to 10 किलोमीटर्स का ऑफ रोडिंग मिलेगा. And that was very extreme. And guys, ये मूर्खा का लेक का स्पेशलिटी क्या है कि इधर से आप कंचनजंगा का व्यू देख सकते हैं. जब इधर सीजन होगा समथिंग अक्टूबर नवंबर का सीजन, उस वक्त आप इधर से एकदम सा कंचनजंगा का व्यू देख सकते हैं. ऊपर में भी और नीचे पानी में भी आप उसका कंचनजंगा का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. एंड दिस प्लेस इज लिटरली वेरी ब्यूटिफुल गाइस. एकदम सा पीसफुल आपका फीलिंग होगा अब जब आप इधर आओगे तो. एंड इट वॉज रियली फन. यस्टरडे वी स्टेड अ नाइट आउट हियर एंड इट वॉज लिटरली वेरी एक्सट्रीम. एकदम सा वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल का था गाइस. और क्या बताऊँ आप लोगों को, एकदम सा मज़ा आया गाइस. लिटरली आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी राइट नाउ. एंड सी गाइस, एज यू कैन सी द व्यू, इट्स लिटरली वेरी ऑसम गाइस, वेरी ऑसम. सो इट्स अ वेरी पीसफुल एंड स्पिरिचुअल लेक. So, yeah. Night out here. This is one of the place. Yo, kita lah tu, juga lag dini kyo. Hah? Kita lah juga lag dini kyo. This is the place where we stayed all night. Bijak boyo, ini tu ada maja ayo. Kasih boleh deh. Bijak boyo tu ada maja ayo. Ini tu. Extreme, extreme experience. जुगा गाड़ी हो तर देखा दी हाल नी पड़ी जुगा गाड़ी.